हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवेंथ हिंदी फर्स्ट 21 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा, इसमें भीष्म के बारे में बताया गया है। महाभारत में भीष्म पितामह का नाम आप लोगों ने, भीष्म के बारे में आप लोगों ने सुना। तो इसमें यही बताया गया है कि महाभारत में महापुरुष भीष्म के चरित्र की दृढ़ता को बताया गया है और कहा गया कि भीष्म जैसे चरित्र वाले व्यक्ति अगर देश में आज पैदा हो जाए तो उन देश का कल्याण हो जाए। तो वर्तमान समय में लोग त्याग तपस्या को अनावश्यक समझते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट कर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि संसार में उसी को महान माना गया है जो दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान कर देते हैं। इन्हीं में से एक महान पुरुष भीष्म थे। महाभारत की जब लड़ाई शुरू हुई तो उसके महाभारत की लड़ाई से पहले एक राजा थे, उनका नाम शांतनु था और वे उत्तरी भारत में राज करते थे। उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी और उनकी पत्नी का नाम गंगा और पुत्र का नाम भीष्म था। तो भीष्म के जन्म के कुछ ही दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई। शांतनु एक दिन शिकार के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी पड़ती है और शांतनु ने देखा नदी पार करनी थी। तब वो नदी के तट पर जाते हैं और उसके किनारे पर एक युवती को देखा और ध्यान से चंचल रहलों की गत निकल रही थी। उन्होंने वहाँ पे और वो उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उस युवती के जो पिता थे वो एक मल्लाह थे, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ तभी करूँगा जब मेरी पुत्री का पुत्र गद्दी पर बैठे। तो भीष्म ने मना कर दिया। तब वो लौटा और सत्यवती को नहीं भूल पाया और बीमार पड़ गए। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। ये देखकर सभी लोग दुखी हो गए और भीष्म ने बहुत उनका उपचार किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर भीष्म उस मल्लाह के पास जाते हैं और उनसे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ दूंगा और इतना ही नहीं, मैं सत्यवती के पुत्र की सहायता करूंगा। तो मल्लाह ने कहा, मैं आपका विश्वास करता हूं, लेकिन आपकी जो संतान होगी उसके संबंध में कौन क्या कह सकता है। तो उसने कहा कि मैं वचन देता हूं, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा। तो सत्यवती का विवाह राजा के साथ हो जाता है और भीष्म एक क्षण के लिए उन्होंने विचार किया कि मैं धरती आकाश वायु और जल सभी को साक्षी मानकर कसम खाता हूं। जब विवाह होता है तो विवाह के पश्चात शांतनु सुखपूर्वक राज करने लगे और सत्यवती के पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा बना, लेकिन उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसके पश्चात दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। दुर्भाग्यवश वो भी जल्दी ही खत्म हो गया और अब उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई शेष रह नहीं गया। तो भीष्म से कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मनुष्य की प्रतिज्ञा उसकी सीख नहीं है जो झटके से दूर हो जाया करती है। जो बात ये कह दी तो कह दी। भीष्म के चरित्र की विशेषता है कि जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उससे नहीं हटते। ये उनके जीवन का एक उदाहरण है। अब बेटा, ये आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा आप लोग अपना होमवर्क। ये बेटा, आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।